सो मेला भाई देखो वहां तक फैला हुआ है। यहाँ पे भाई अलग पंडाल है, ये देखिए भाई। तो अभी हम जा रहे हैं भाई मेले की तरफ, और रात को शीशगंज गुरुद्वारा कितना ही ब्यूटीफुल लगता है। और मेरा प्लान है ना सिर्फ इसी में लेने का। बाकी दिवाली और दशहरे के टाइम पे तो अच्छा खासा क्राउड होगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप कि सब बहुत ही बढ़िया हो गए। मैं लगभग 3 से 4 मिनट से ना रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। पहले मैंने फ़ोन को रखा यहाँ एंड नाउ उसके बाद रखा इस साइड, तो बार बार ना कोई ना कोई आ रहा था, जिसके कारण वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही थी। और मैं इस टाइम कहाँ हूँ बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। मैं इस टाइम हूँ चांदनी चौक और शीशगंज गुरुद्वारे के सामने। और मेरा यहाँ पे आने का कारण ये है भाई, दशहरा आने वाला है और यहाँ पे ना हर साल दशहरे का ना मेला लगता है। आज से 3-4 साल पहले भी मैं आया था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करता था, तो आज आपका भाई व्लॉग शूट करता है, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दी जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो बस चाय अपनी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ मैं मेले की तरफ और आपको दिखाऊंगा कि मेले में क्या कुछ है। तो सोचा कि आपको दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अभी हम जा रहे हैं भाई मेले की तरफ, और रात को शीशगंज गुरुद्वारा कितना ही ब्यूटीफुल लगता है भाई। ये देखो, लुक एट दिस। और आपको पता है इस टाइम पे क्राउड भी बहुत हो, इवन मेट्रो में तो बहुत ही ज्यादा क्राउड था। अभी से यहाँ से थोड़ा बहुत झलक तो दिख रही है देखो। और एक दो लोग है ना भाई कमेंट आए थे यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना चांदनी चौक चोर बाजार की वीडियो बनाओ और एक कैमरे वाली मार्केट है उसकी वीडियो बनाओ। तो मैं बता दूं भाई, जो चोर बाजार है ना वो संडे को लगता है। बहुत सारे लोग ना मैसेज आ रखे थे, कमेंट भी आ रखे थे कि चोर बाजार की वीडियो बनाओ और कैमरे वाली जो मार्केट है वहाँ की वीडियो बनाओ। चोर बाजार तो भाई लगेगा संडे को, और अगर अपने पास टाइम हुआ तो कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बना के दें ना। और रही कैमरे की मार्केट भाई, तो मैंने ऑलरेडी एक दो बार शूट कर रखा है भाई वहाँ पे। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी दिवाली और दशहरे के टाइम पे तो अच्छा खासा क्राउड हो ही रखे थे। यहाँ पे सारी मार्केट लगी है भाई। और ये है भाई राम लड्डू, पता नहीं अपने हरियाणा में तो मिलते नहीं, लेकिन यहाँ पे तो भाई दिल्ली में बहुत दिखते हैं। और ये है ड्रैगन फ्रूट, देख कितने का ड्रैगन फ्रूट, 100 के 2 है। यहाँ पे इस साइड है भाई गड़ियों की मार्केट, थोड़ा सीधा आगे लेफ्ट मुड़ोगे तो गड़ियों की मार्केट। तो ये है भाई दिल्ली का मेला, पीछे देख रहे हैं काफी बड़े और चिल्ले भी काफी बड़े बने हैं। सो एंट्री कर ली है भाई हमने, और ये काफी बड़े बड़े झूले हैं भाई, और भीड़ भी देखो कितनी जबरदस्त हो रही है। यहाँ से भी अपन एंट्री करेंगे, कैमरे को रख देते हो साइड में। और ये देखो भाई, मेले के अंदर मुझे माइक कैसे रख के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज क्राउड में ना जो नॉइस कैंसलेशन है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, नहीं ज़्यादा ही आएगी। तो ना आ चुके हैं भाई झूले, वैसे भाई काफ़ी बड़े बड़े झूले हैं। आप ये वाला झूला देखते हैं भाई, मन कर रहा है कि ले लिया है। बाकी अभी घूमते हैं अच्छे से, इसका एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ से आए हो? झारखंड से मेला देखने आए हो? बढ़िया भाई। चलो भाई चलते हैं और घूमते हैं। तो यहाँ पे ना भाई ये झूला देखे, कई खतरनाक झूला भाई। ये जो झूला है ना भाई, अभी चलेगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, काफी डेंजरस है। बाकी क्राउड देखो, वो जो आप देख रहे हैं ना वो वाला छोटा है, एंड ये बड़ा लग रहा है मेरे को भाई। और मेरा प्लान है ना सिर्फ इसी में लेने का है भाई, क्या ही मजा आएगा भाई। वो तो मेरे को छोटा लग रहा है, पर नहीं दूर से देख रहा हूँ शायद तो लग रहा है। एक बार स्टार्ट होगा ना तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा अभी, और इसी के चक्कर में भाई वेट करूं, थोड़ा चलते हैं ना इसको दिखा के उसके बाद ही अपन आगे चलते हैं, और आगे बहुत कुछ देखने लायक है। तो भाई झूला स्टार्ट हो चुका, और देखो क्या ही डेंजर लगता होगा भाई, जो बैठा होगा वही फील कर सकता है। देखो ये देखे भाई, क्या ही खतरनाक है भैया, जो बैठा होगा उसी को पता है कि क्या फील हो रहा होगा। अबे वो देख के थोड़ा डर सा लग रहा भाई साहब, ये देख क्राउड तो भाई बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है। अभी अपन आगे आगे जा रहे हैं और देख रहे हैं और क्या क्या। मुझे लग रहा है भाई कि वो वाला झूला छोटा है, मतलब ये छोटा है
और वो बड़ा है, बट अब इसके पास आ गए ना मुझे लग रहा है कि दोनों बराबर ही है, ये मेरा बहन है और कुछ नहीं। मेरा मन कर रहा है कि यार पहले ना मैं ये झूला ले लूं, उसके बाद थोड़ा आगे घूमते हैं, क्या बोलते हो बाकी भाई? पूरा आगे तक ना मेरा लगा रहा है भाई, वो देखो वहाँ पे रामलीला और ये मुझे लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ से जितना क्राउड दिखता है ना वो आपको दिखाते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो 150 रुपए है, ऑलमोस्ट जितने भी झूले लगे ना सभी का 150 या तो भाई अभी अपना नंबर भी आने वाला है, लाइन चलनी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से घूमते घूमते फिर अपन भी पहुँचेंगे उधर। और मैंने तो भाई माइक भी ना दो लगा लिया क्योंकि ना मैंने भी वॉइस चेक किया तो नॉइस बहुत आ रही है, मतलब कि मेरी बात माइक लगाने के बाद भी ना उसकी क्लियरिटी से आ नहीं रही है, तो मैंने दो माइक लगा लिया भाई, होप कि आपको आवाज पहले से थोड़ी बेहतर मिलेगी। तो भाई बैठ चुके हैं अपन झूले में और थोड़ा बहुत झूला ऊपर आ चुका है, तो बड़ी मुश्किल होती है अगर एक बंदा हो तो भाई, अगर आप ये झूला लेना चाहते हैं ना तो अपने दोस्तों के साथ तो ज्यादा बढ़िया है, काफी मजा आ रहा है भाई। तो अभी धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगी ना तो और भी अच्छा लगेगा। देखो कितने झूले लग रहे हैं भाई, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई 1 2 3 4 तो जिसमें अपन बैठे हैं भाई ये है 5वां और वो है 6वां। देखो मेला भाई देखो वहां तक फैला हुआ पूरा, और ये देखो कितनी अमेजिंग लग रहा है ना व्यू देखना। स्पीड बढ़ चुकी है भाई झूले की, बाकी भाई क्या ही मजे हैं, थोड़ा थोड़ा ना तेज हो रहा है ना तो दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है। बाकी भाई अमेजिंग है भाई साहब, नीचे आ चुके हैं और काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा भाई, और जैसे ही ऊपर जा रहा था ना वैसे सिर घूम रहा था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा मेरा। चलते हैं बाहर और थोड़ा आपको रावण वाली साइड लेकर चलते हैं, जो रावण बना रहे हैं ना थोड़ा वहां लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। सूर्य देवो भाई तैयार हो रहा है, रावण मेघनाथ इसके बैक साइड मेघनाथ है और कुंभकर्ण लड़ाई ये सब तैयार हो रहे हैं, और यहाँ चल रही है रामलीला, देखो मेडिकल सेवा वगैरह सब कुछ है। यार मैं भाई और झूला तो नहीं लेने वाला, मेरा ना क्रेज सिर्फ इसी का ही था कि इसको लेना है, बाकी झूले तो यार इतना कुछ खास है नहीं, वो तो सभी ले लेते हैं। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वंश का ही होता ना भाई वो तो नहीं ले पाते, बाकी सब तो एडवर्टाइजमेंट है और खाने पीने का सामान है, झूले हैं और रामलीला और ये रावण है, और बाकी आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। सो चलो यहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई यहाँ पे तो भाई मुझे खाने पीने का ज्यादा लग रहा है, कोल्ड कॉफी और ये शेक्स वगैरह और कोल्ड कॉफी वगैरह फुल ही है। तो यहाँ पे भाई सारा खाने पीने का सारा का सारा, जहाँ तक मिला ना अगर उसको कवर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, पता है आपको सब जगह सेम चीज ही है। तो अभी अपन दूसरे गेट से ना अंदर आए हैं, और एक चीज मैंने रियलाइज की है कि जो अपन ने पीछे पंडाल देखे थे ना, जो मतलब कि जिनके ग्रुप्स वगैरह थे, तो उन सब ने ना अलग अलग जगह पे ना अपना मेला लगा रखा है, ये रामलीला कमेटी इनकी अलग है ठीक है, और ये अलग गेट आ गया, इससे पहले अलग गेट था यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, और इसके बाद एक गेट और होगा तो वहाँ पे सब यही झूले वगैरह सब कुछ सही होगा, अलग अलग ग्रुप का ना अलग अलग मेला चला रखा है लेकिन है एक जगह। बाकी यहाँ आ गया भाई खाने पीने का भाई, लो भाई कैसे हो यहाँ पे भाई, एक चीज तो बताओ यहाँ पे जैसे एक रावण यहाँ बन रहा है एक पीछे बन रहा है, ये ग्रुप के हिसाब से है क्या? अभी मैंने बात करी है वो भाई कह रहा है कि यहाँ पे दो ही ग्रुप है, तो जैसे एक रावण पीछे देखा था अपने और पंडाल एक पीछे था, और एक ये है यहाँ पे भाई अलग पंडाल है और यहाँ पे ये अलग रावण बन रहा है। सौब लग रही है बुक अपने को पुराने इधर खा लेते हैं भाई, और बुक काफी लग रही है। मन तो है भाई कुछ और खाने का बट भीड़ देख रहे हो ऑलरेडी इतनी भीड़ है यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ बैठूंगा ना खाने के, तो नंबर पता नहीं कब आएगा मेरा। और अभी अपन यहाँ से करते हैं एग्जिट, बिकॉज भाई टाइम 8:40 हो चुके हैं। भाई अपने को ना फिर से मिल चुका है, और भाई ने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार ना झूले पे चलो, क्योंकि भाई के पास बहुत सारे पास है, और भाई ने अपना स्टिकर भी लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, है ना। तो अभी भाई चलते हैं इस झूले पे, तो चले चलो भाई, बाकी मिलते हैं आपको। भाई झूला लेके आ चुके हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना भाई, क्या ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, झूला ऐसे फेंक फेंक के मार रहा था। और बाकी अपन भाइयों से भी ना इनकी राय लेते हैं कि इनको कैसा लगा। तो कैसा लगा भाई, थोड़ा जोर से बोलो। बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया लगा। थोड़ा लोग कैसा लगा? बढ़िया है भाई, मस्त मजा आ रहा है, खूब झूले फेंकते हैं। अब अपन यहाँ से करते हैं एग्जिट। जी मेले से आ चुके हैं और टाइम भी 9:30 बज चुके हैं, और काफी अच्छा लगा भाई, मुझे तो पर्सनली काफी बढ़िया लगा। तो आई होप कि आपको भी काफी अच्छा लगा होगा। और मेले में अपने कुछ भाई भी मिले थे जो कि काफी फोर्स करते कि चलो भैया झूला लेते हैं, झूला लेते हैं, मेरे पास पास है, तो मैंने सोचा यार कि इतना फोर्स करें तो चलो ले लेते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना, अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेवन सामने टेक केयर एंड चपा।